इंग्लिश, और ये हमारी फिफ्थ क्लास, और हम पढ़ रहे हैं जितने भी यूनिवर्सिटीज़ या जितने भी इंट्रेंस एग्ज़ाम हैं उनमें पूछे जाने वाली इंग्लिश। और इनफैक्ट ये जो हम पढ़ रहे हैं ये उनमें भी पूछे जाने वाली इंग्लिश है, और साथ में जो भी SSC, CGL और आदि आदि एग्ज़ाम होते हैं उनके लिए बहुत हेल्पफुल है। तो अभी तक हमने नाउन को पूरी तरह से पढ़ लिया है ना। नाउन को हमने पूरी तरह से पढ़ा, नंबर भी पढ़ लिया और जेंडर भी पढ़ लिया और केस भी पढ़ लिया। बस थोड़ी सी बात आज करनी है, तो हमें केस के बारे में थोड़ी सी बात करनी है, एक दो पॉइंट, फिर उसके बाद शुरू करेंगे हम प्रोनाउन। तो केस में हमने दो चीज देखी थी, एक तो देखा था हमने ऑफ सिस्टम और दूसरा क्या देखा था, अपोस्ट्रोफियस सिस्टम। अपोस्ट्रोफियस सिस्टम, ठीक है। तो जब हमने ये ऑफ सिस्टम देखा तो इसका क्या लॉजिक है भाई? जैसे मैं बोलूं मोहन का भाई है ना, तो मोहन के भाई में मोहन्स ब्रदर, मतलब अगर लिविंग होता है, जब लिविंग होता है तो अपोस्ट्रोफी एस लगाते हैं, लिविंग होता है तो क्या लगाते हैं, अपोस्ट्रोफी एस लगाते हैं, और जब नॉन लिविंग होता है तो ऑफ सिस्टम लगाते हैं। एक्चुअल में कई कई बार लिविंग के लिए भी हम ऑफ सिस्टम लगा सकते हैं, लेकिन अपोस्ट्रोफी एस कभी भी नॉन लिविंग के लिए नहीं लगता है, ठीक है। तो अगर ऐसे ये मोहन है और मोहन का ये ब्रदर है, लेकिन एक चीज हमें समझनी चाहिए, जैसे मोहन, जैसे दो नाउन है और वो एंड से जुड़ी हुई है, और इनका तीसरी नाउन पर अधिकार दिखाना है, तीसरी नाउन पर। ये वाली बात बहुत कई बार पूछी जाती है और समझ में आनी चाहिए। अगर दो नाउन है और उसका तीसरी नाउन पर अधिकार दिखाना है, तो अगर ये दोनों नाउन, नाउन वन, नाउन टू और नाउन थ्री, अगर ये दोनों नाउन ब्लड रिलेशन वाली है, आपस में घनिष्ठ संबंध है इनका, तो अपोस्ट्रोफी एस लास्ट वाले पे बनाएंगे, और ये जो नाउन थर्ड होगी ये सिंगुलर होगी। समझ में आई बात कि नहीं आई? अगर नाउन वन और नाउन टू एंड से जुड़ी हुई है और इनका नाउन थ्री पर अधिकार है, ठीक है, और यहां पर अपोस्ट्रोफी एस यहां, अपोस्ट्रोफी एस यहां, एक्चुअल में इन इस वाली नाउन को दर्शाया तो गया है, लेकिन इन दोनों का अलग अलग अधिकार है, अलग अलग, वो शब्द एक है लेकिन व्यक्ति अलग अलग है। जैसे इसके लिए यहां भी अपोस्ट्रोफी एस लगाएंगे नाउन पर, नाउन टू पर, और ये नाउन होगी प्लूरल, प्लूरल याद रखना है। जैसे तो राम एंड श्याम्स मदर, भाई राम और श्याम दो भाई हैं, दोनों की एक ही माता जी हैं, तो ये एकदम परफेक्ट है। कभी कभी एग्जाम में ऐसा लिखा हुआ आएगा राम्स एंड श्याम्स मदर, तो हमें समझ जाना चाहिए यहां मदर्स नहीं करना है, यहां पे अपोस्ट्रोफी एस हटाना है, ठीक है। लेकिन अगर ऐसे हुआ राम एंड श्याम्स वाइफ, एक्चुअल में बहुत रेयर होता है और होता भी नहीं है, ये तो हमारे यहाँ का नियम है कि राम और श्याम की एक पत्नी नहीं हो सकती है, दोनों की अलग अलग पत्नियाँ होंगी, तो यहाँ पर राम्स भी होगा, यहाँ श्याम्स भी होगा, और यहाँ वाइफ की जगह पे क्या होगा, वाइफ्स होगा। समझ में आई बात कि नहीं? ये वाली दोनों बातें हमें याद रखनी है और बहुत अच्छे से याद रखनी है, ये कई बार पूछी जाती है। जैसे ये हम बोले मोहन का भाई सोहन से लंबा है, एक तो ये वाला वाक्य है, हिंदी में समझो बहुत सरल समझ में आएगा। दूसरा ये है मोहन का भाई सोहन के भाई से सोहन के भाई से लंबा है, ठीक है। तो मोहन का भाई क्या होगा बताओ, मोहन्स ब्रदर
सोहन से लंबा है, मोहन्स ब्रदर इज टॉलर। और ये कैसी डिग्री है हमारी? कॉम्परेटिव डिग्री है। कॉम्परेटिव डिग्री में आता है देन, देन सोहन। देखो जब इस अकेले से हो तो यहां पे तो अपोस्ट्रोफियस लगा देंगे, पीछे दूसरी नाउन लिख देंगे, लेकिन यहां पे मोहन का भाई सोहन के भाई से लंबा है तो कैसे लिखेंगे? मोहन्स ब्रदर इज टॉलर देन। अब हमें दोबारा सोहन्स ब्रदर लिखने की जरूरत नहीं है, खाली क्या लिखेंगे? सोहन्स। इतनी बात का ही मतलब यह है कि जो पहले लिखी हुई नाउन है जिसके ऊपर अधिकार है वही दूसरी जगह लिखी हुई है। अगर यहां पर सोहन की बहन होती तो जरूर लिखते, अगर सोहन से लिखा हुआ तो यह सेम टू सेम बात है, मोहन का भाई किससे लंबा है? सोहन के भाई से। समझ में आई बात कि नहीं आई? कोई समस्या है? अब देखो भाई इतनी बात हो गई तो एक और इसमें नियम है, बस उसके बाद शुरू करेंगे हम प्रोनाउन। नियम कुछ भी नहीं है, अंग्रेजी में नियम नियम कुछ नहीं होते। देखो अगर हम ऐसे बोले, भाई कि अगर somebody है ना, everybody या everyone है ना, अगर ये शब्द आए और इनका किसी के ऊपर अधिकार दिखाना हो तो हम क्या लगा सकते हैं भाई? अपोस्ट्रोफियस लगा सकते हैं। अगर इनके पीछे else शब्द लिखा हो तो अपोस्ट्रोफियस नहीं लगाते, इतना सही है बस, है ना। ऐसे बोले somebody's प्रॉब्लम इज नॉट माइन, सही है। अगर बोले somebody else प्रॉब्लम इज नॉट माइन, तो यहां पे कौन सा सही है कौन सा गलत है? ये वाला तो पक्का सही है, और यहां पे somebody else नहीं आएगा। कोई समस्या? परफेक्ट। तो बस इतनी सी बात करनी थी हमें इसमें, अब आगे शुरू करते हैं प्रोनाउन। नाउन का मतलब क्या है? अगर कोई बोले नाउन की परिभाषा दो एक शब्द में, तो क्या परिभाषा दोगे बताओ? तो ये तो बहुत लंबा पूरा वाक्य बोल दिया तुमने। नाउन की परिभाषा दो एक शब्द में, नाउन का मतलब क्या है? नेम। नाउन क्या है? किसी का भी नाम रख दिया वही तो नाउन है। तो अगर इसी तरह से कोई बोले भाई प्रोनाउन की परिभाषा दो, तो प्रोनाउन क्या होता है बताओ जल्दी से? है जो नाम की जगह पर आ जाए, कोई भी शब्द ऐसा जो किसकी जगह पे आ जाए? नाम की जगह पे आ जाए, इन प्लेस ऑफ नेम। मतलब किसी का नाम ना बुला के किसी और नाम से उसे बुलाने लगे तो वही क्या होता है हमारा? प्रोनाउन। जैसे ये बोर्ड है, अब इसे बोर्ड ना बोल के क्या बोले? इस पर लिख दो। ये मार्कर है, मार्कर न बोल के क्या बोलते हैं? इसे उठा दो। जैसे मैं, अब क्या बोलूं मैं खुद को? मैं। तुम्हारा नाम अभिषेक है, तुम्हें बोले तुम, तो ये सब क्या हो गए? क्या हो गए भाई? प्रोनाउन हो गए। यही होते हैं प्रोनाउन। तो प्रोनाउन में जैसे, अच्छा एक और चीज है, प्रोनाउन इतने तक ही नहीं होते, ये तो पर्सनल प्रोनाउन है, किसी व्यक्ति व्यक्ति के स्थान पर आए, है ना। प्रोनाउन जैसे आई, बी, ही, सी, दे, यू, ये तो पर्सनल प्रोनाउन है, लेकिन ये भी तो होते हैं इंटरोगेटिव प्रोनाउन। व्हाट, तुमने आज क्या खाया? अरे खाया होगा, उसका कुछ ना कुछ तो नाम होगा, उसके स्थान पर क्या आया है? व्हाट, है ना। तुम कहाँ रहते हो? कहाँ रहते हो, उस जगह का कोई ना कोई तो नाम होगा। भैया, भाई, सही है कि नहीं? बहन, तो ये सब चीज क्या है? प्रोनाउन है। नहीं बात समझ में आई? कोई समस्या? तो ये सब है प्रोनाउन। तो जो नाउन की जगह पे आ जाए, एक और चीज तुमने कहा इसे उठा के दे दो, दिस, दैट, दीज, दोज, ये सब क्या है? ये भी है प्रोनाउन।
अब ये भी कह रहा है जैसे एवरी, एवरी वन, नो वन, ऑल, ये सब क्या है? खान पे आ जाओ, उसे क्या कहते हैं भाई? प्रोनाउन कहते हैं। अब बस एक छोटी सी बात करनी है हमें, अब इनका इंटरोगेटिव प्रोनाउन, ये प्रोनाउन, वो प्रोनाउन, ये तो चलता रहेगा। देखो जैसे ये है, अगर मैं बोलूं दिस इज माय पेन, दिस इज माय पेन, तो बताओ यहाँ पे कौन कौन सी चीज प्रोनाउन है, कौन कौन सी नाउन है, कौन कौन सी एडजेक्टिव है, बताओ। देखो भाई दिस प्रोनाउन है, अगर नाउन जो काम कर रही है वही काम तो प्रोनाउन करे, तभी तो प्रोनाउन रहेगी। कहने का मतलब नाउन या तो सब्जेक्ट बनती है या ऑब्जेक्ट बनती है, अगर इतनी ताकत है तभी वो प्रोनाउन है, नहीं तो प्रोनाउन नहीं है। तो देखो दिस सब, इसके तुरंत बाद वर्ब आ रही है, तो ये किसका काम कर रही है? सब्जेक्ट का, तो पक्की बात है प्रोनाउन है, सही है। और बताओ और कोई प्रोनाउन हो इसमें? अब देखो पेन प्रोनाउन कैसे, उसका पेन तो नाम ही है किसी का, ये तो नाउन है, ये तो नाउन है। माय प्रोनाउन है कि नहीं, बता भाई माय प्रोनाउन है कि नहीं है? अरे भाई ये नाउन से पहले इसकी विशेषता बता रहा है, तो इसे क्या बोलते हैं? एडजेक्टिव। ये ज्यादातर बच्चे गलती कर देंगे, ये किसी से पूछोगे कहेगा माय तो प्रोनाउन है ना। अगर देखो ये वाली बात, अब मैं तुम्हें दूसरा वाक्य लिख रहा हूं, दिस पेन इज माइन, अब बताओ यहाँ पे कौन सी प्रोनाउन है और कौन सी नाउन? यही तो बात होती है। अब क्या करें, ये दिस प्रोनाउन है, अरे भाई नाउन है ये, और इस नाउन की ये विशेषता बता रही है, तो ये एडजेक्टिव है। यही तो विशेष, यही तो क्वालिटी होती है पढ़ने की इंग्लिश, और क्या होती है, इसी वजह से तो गड़बड़ मामला हो जाता है। पूछ लेगा तुम्हें एग्जाम में, बताओ इसमें कितनी प्रोनाउन है, तुम कितनी गिनाओगे? एक और दो, दो लिख के चले आओगे। यूपी बोर्ड का कितने एग्जाम में ऐसे पूछता है? तो दिस क्या हो गया? एडजेक्टिव। और माइन भी क्या है भाई साहब? माइन भी क्या बताओ? माइन, ये इसके बाद कोई आ नहीं रहा है, वर्ब के तुरंत बाद आ रहा है, तो ये ऑब्जेक्ट की तरह काम कर रहा है। किसकी तरह काम कर रहा है? ऑब्जेक्ट की तरह, तो ये है प्रोनाउन। नहीं बात समझ में आई है? आई पनिश्ड माई सेल्फ, यहां पे कौन सी प्रोनाउन है, कौन सी प्रोनाउन नहीं होता? देखो वर्ब से पहले आ रही है, और आई तो हमेशा प्रोनाउन ही होती है, इसमें कोई चिंता की बात नहीं है। सब्जेक्ट की तरह आ रही है, तो ये प्रोनाउन है ना। और ये वाली बात क्या है? ये माई सेल्फ है, वर्ब के बाद आ रही है, तो ये ऑब्जेक्ट की तरह आ रही है, तो ये भी क्या है? ये भी प्रोनाउन है। तो अगर हम पर्सनल प्रोनाउन, फर्स्ट पर्सन बताया था कि नहीं बताया था? फर्स्ट पर्सन इसमें आई और बी, जो सब्जेक्ट की तरह प्रयोग हो वो भी प्रोनाउन, और जो सब्जेक्ट की तरह प्रयोग ना हो वो भी क्या होता है? वो भी प्रोनाउन। फर्स्ट पर्सन यहां लिखो, सब्जेक्ट आई और बी, ऑब्जेक्ट मी और अस, ये होता है, इसे ध्यान रखना है। पजेसिव, इसी में ध्यान रखना, इसी में गड़बड़ होती है, आदमी इसी से याद रखता है। पजेसिव एडजेक्टिव, पजेसिव ऑब्जेक्ट, तो जो एडजेक्टिव है वो तो एडजेक्टिव हो ही गया, जो पजेसिव ऑब्जेक्ट है वही प्रोनाउन है, ठीक है। तो मी का क्या होता है? ये माई, आवर, ये एडजेक्टिव होते हैं। यहाँ पे क्या होता है? माइन और अवर्स। यहाँ पे एक और होता है सेल्फ प्रोनाउन, रिफ्लेक्सिव या सेल्फ प्रोनाउन, ठीक है, जैसे माई सेल्फ, और यहाँ पे अवर सेल्फ। तो ये जो वाली बात हो गई, तो देखो हम में क्या है, ये भी प्रोनाउन किसकी तरह प्रयोग हो रही है? सब्जेक्ट की तरह। ये भी प्रोनाउन किसकी तरह प्रयोग हो रही है? ऑब्जेक्ट की तरह। ये भी प्रोनाउन, ये किसकी तरह प्रयोग हो रही है? ऑब्जेक्ट की तरह। और ये सेल्फ प्रोनाउन है, ये भी सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट की तरह प्रयोग होती है ना। वैसे कभी सब्जेक्ट के लिए नहीं प्रयोग करते, ये भी याद रखनी है हमें। यहाँ पे जैसे पिक्चरों में दिखाते ना, माई सेल्फ रोहन, माई सेल्फ, ये वाली बात याद रखनी है, माई सेल्फ इज रोहन। भाई बताओ रिफ्लेक्शन कब होगा? जब शीशा देखेंगे तभी तो रिफ्लेक्शन होगा, याद ये रखनी है। इंग्लिश कोई ऐसी नहीं है कि नियम बना दिए, बस जो दुनिया में होता जाता उसी को लिख दिया, ये बात याद रखो। दुनिया में जो भी है वो एकदम लॉजिकल है, हैं? तो माई सेल्फ इज रोहन, ये सही नहीं है। आई, आई का तभी तो रिफ्लेक्शन होगा, आई माई सेल्फ,
एम रोहन। नहीं बात समझ में आई? कभी भी माई सेल्फ या कभी भी सेल्फ प्रोनाउन सब्जेक्ट की तरह प्रयोग नहीं हो सकती है। प्रयोग होगी तो किसकी तरह प्रयोग होगी? ऑब्जेक्ट की तरह या इम्फेटिक की तरह? अब ये इस पर जोर दे रहा है, समझ में आई बात? तो इतनी सी बात हमने समझ ली ये सेल्फ प्रोनाउन। हेम, हेम बेंट टू आगरा। बताओ ये सेंटेंस सही है गलत? बताओ ये वाला सेंटेंस सही है कि नहीं? गलत। अच्छे अच्छे बच्चे से गलत करेंगे, अच्छे अच्छे गलत है। कैसे गलत है? हाँ ये एकदम सही बात है भाई। हिम तो यहाँ पे कहीं रहा होगा ऑब्जेक्ट के रूप में, और भाई यहाँ पे कोई चेंज विंज नहीं है। ऐसा नहीं है कि राम यहाँ सब्जेक्ट के रूप में भी होगा और राम ऑब्जेक्ट के रूप में भी होगा, ऐसा कुछ भी नहीं है। ठीक है, तो ये हिम है ये किसकी तरह प्रयोग हुआ है? ऑब्जेक्ट की तरह प्रयोग हुआ है। तो ऑब्जेक्ट वर्ब के बाद आता है ना कि वर्ब के पहले। तो यहाँ पे जो हिम आया है यहाँ पे क्या आएगा? ही। अच्छा एक और बताओ, हिज वेंट टू आगरा। बताओ ये सही है या आई किल्ड हिज? ये सही है, बताओ कौन सा सही है, जल्दी बताओ। ऊपर वाला गलत है, चलो मान लेते हैं ऊपर वाला गलत है। नीचे वाला अच्छा, हिजकी चरह हिजकी जगह मैं यहां पे थोड़ा सा लिख देता हूं माई। अब बताओ सही है गलत है? बताओ, वेरी गुड। आज से बात एक याद रखनी है, अगर पजेसिव एडजेक्टिव है तो कभी भी एडजेक्टिव अकेला नहीं आएगा, अपने जीवन हमेशा क्या लेके आएगा? तो यहाँ पर तो नाउन है ही नहीं है मेरे भैया, गलत हो गया ये तो खेल, ये माई होएगा नहीं कभी, समझे? लेकिन देखो आई किल्ड हिम, ये सही है कि नहीं? अरे ही का ऑब्जेक्टिव केस है तो होगा सही। ठीक है, तो यहां पे अच्छा हिज क्यों नहीं है? क्योंकि जो ऑब्जेक्ट है वो कभी ये पजेसिव एडजेक्टिव है, वो कभी भी किसकी तरह पर नहीं आएगा? अकेला नहीं आएगा सब्जेक्ट की तरफ, सब्जेक्ट की तरह ऐसे आ सकता है हिज ब्रदर बेंट टू आगरा। अब सही है कि नहीं? हिज ब्रदर बेंट टू आगरा एंड आई किल्ड माई डॉग। अब सही है, नहीं बात समझ में आई? तो ये छोटी छोटी बातें समझोगे ना तो गलती थोड़ी नहीं हो रही इंग्लिश में। इन वाक्यों में बताना कौन सा सही है। बता भाई इन चार वाक्य बताओ भाई। बताओ था है देव है कि डिब्बा गुल, ऐसे काम चलेगा? बताओ यार। देखो भाई याद रखना है जो ये तो होता है ये इंट्रोडक्टरी होता है, पहचान कराता है। तो तुम बताओ तुम किसी शादी में गए और तुम किसी अपने दोस्त की पहचान करा रहे हो, तो उस दोस्त की पहचान कराओगे या उसकी परछाई से पहचान कराओगे? दोस्त की पहचान कराओगे, और दोस्त खुद पूरा खलीफा होगा तभी तो पहचान कराओगे। तो इट इंट्रोडक्टरी है, इट के बाद ये बर्ब की बी फॉर्म आएगी, इजी आती है, और यहाँ पे सब्जेक्टिव केस ही आता है, याद रखना है। पहला सही, ये इट के बाद कभी भी ऑब्जेक्टिव केस नहीं आता, इट इज मी कि या मैं हूँ, तो ये गलत। इट इज ही ये भी सही, और इट इज हिम ये भी गलत, समझ में? सब्जेक्टिव केस आता है, यही तो याद रखना है, और कुछ याद रखना ही नहीं है। एक और देखो, आई डज नॉट वांट टू, आई डज नॉट वांट टू आई डज नॉट वांट टू बिकम ये नहीं हाँ चल ठीक है आई डज नॉट वांट टू बिकम लाइक ही या हिम।
ये बताओ इन दोनों में से ही आएगा हिम आएगा, और दूसरा वाक्य बताओ आई वुड नॉट, आई वुड नॉट वांट टू बी हिम या ही। चलो पहले वाले में हिम आएगी और ही आएगी, पक्की बात? तुक्का मार रहे हो, क्यों क्यों आएगी ये बताओ। देखो जब स्थिति क्लियर न हो और ये बांट और इसके बाद टू प्लस बी इन्फिनेटिव आए, क्या है इन्फिनेटिव आए, तो इन्फिनेटिव के बाद सब्जेक्टिव केस आता है, नहीं समझ में आई? अगर स्थिति क्लियर न हो और इसके बाद इन्फिनेटिव के बाद सब्जेक्टिव केस आता है, यहाँ वर्ब थी इसीलिए हिम आएगा। आई डज नॉट वॉन्ट टू बिकम लाइक हिम। अब एक और चीज़ इन वाक्यों में कौन सा सही है? इट इज मी हु इज नॉट हेल्प यू, बताओ ये सही है या गलत है? जल्दी बताओ, पूरा खत्म करना है, कम से कम एक तो कर ही लूं। कहाँ गलत है बताओ? इट इज आई आएगा, फिर सही है। सही है, पहली गलती तो तुम्हारी ये है कि जब इज नॉट आ रहा है तो इसके बाद कभी भी हेल्प नहीं आएगा, हेल्पिंग आएगा, क्योंकि इज नॉट यहाँ पे प्रेजेंट कंटिन्यूअस की बात है, तो यहाँ पे कभी भी हेल्प नहीं आएगा, क्या आएगा हेल्पिंग आएगा। पहली तो गलती ये हो गई, और दूसरी गलती ये हो गई हु इमेजिनरी सब्जेक्ट है, कैसा है इमेजिनरी, तो इसके बाद आने वाली वर्ब इससे पहले आने वाले ऑब्जेक्ट या नाउन या प्रोनाउन के अनुसार होती है, इससे पहले वाले नाउन या प्रोनाउन, तो आई के अनुसार यहाँ पे कौन सी हेल्पिंग वर्ब आएगी? एम आएगी और फिर हो जाएगा हेल्पिंग, ठीक है। तो ये सेंटेंस ऐसे हो गया इट इज आई हु एम नॉट हेल्पिंग यू, नहीं बात समझ आई है? आवर्स स्कूल इज नॉट ओपन, बताओ सही है गलत? सही है, अभी हमने 2 सेकंड पहले बताया था, याद करो अवर्स पजेसिव ऑब्जेक्ट है और पजेसिव ऑब्जेक्ट के बाद कभी क्या नाउन आने का कोई लॉजिक नहीं है, तो अवर्स की जगह क्या आएगा भाई? अवर आएगा पजेसिव एडजेक्टिव, तो ये अवर्स तो गलत था, अवर लगा के सही है। तीन देख रहे हो, ये देखो अगर फर्स्ट पर्सन सेकेंड पर्सन और थर्ड पर्सन वाक्य में एक साथ आए, वाक्य में कैसे आए एक साथ आए, तो इनका क्रम होता है 2-3-1 और इनके साथ हमेशा वर्ब कैसी आती है? प्लूर आती है। अगर फर्स्ट सेकंड और थर्ड एक साथ आए तो इनका क्रम होता है 2-3-1 और वर्ब कैसी आती है इनके साथ? प्लूरल, ठीक है। देखो जैसे जैसे यू है ना, ही एंड आई एम हेल्पिंग देम, बताओ यू ही एंड आई एम हेल्पिंग देम, तुम बताओ सही है गलत है? हाँ बस यहाँ पे एम की जगह आर आएगी और बस, और तो सही है, सेकंड पर्सन फिर थर्ड पर्सन और फिर कौन सा आया है फर्स्ट पर्सन, ये क्रम। अगर ये तो बात थी सामान्य की, अगर विशेष हो, कैसा हो भाई विशेष हो, तो 1-2-3 और वर्ब कैसी आएगी?
प्लूरल, ठीक है, जैसे आई ही एंड यू आर हेल्पिंग देम। बताओ सही है गलत, क्यों? हाँ, क्या ये? ये थोड़ा क्रम बदल जाएगा। अच्छा, लेकिन क्यों गलत क्यों है भाई? ये भी सामान्य बात है तो है, सामान्य बात होगी तो वही लिखना पड़ेगा, 2-3-1 वही वाली बात तो लिख दिए दोबारा, ये तो तुम्हें भ्रमित करने के लिए बात लिखी थी, तो यहाँ पे क्या आएगा वही वाली बात, यू, अभी विशेष तो कुछ हुआ ही नहीं है, अभी लिख रहे हैं यू ही एंड आई आर हेल्पिंग, आई यू एंड ही, आई यू एंड ही आर नॉट स्टीलिंग 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 दिस कार। अब समझ में आएगी, अब जो कार चुरा रहे हैं वो किस पे होगी संबंधित, विशेष बात हो गई, तब होगा ये 1-2-3 का साथ। हम कह सकते हैं कि पर्सनल प्रोनाउन लगभग समाप्त हो गई, पर्सनल प्रोनाउन, और बाद बाकी की प्रोनाउन कल कर लेंगे, इतना ही बहुत है, और चलो ठीक है, ठीक है। अच्छा एक और चीज, अगर ये है बी है, बी दे और यू, ये तीनों बहुवचन है, अगर बहुवचन में आए प्लूरल में तो इनका क्रम फिर रहता है 1-2-3 और बरो कैसी प्लूरल, अगर ये प्लूरल में तो बी फिर उसके बाद यू एंड दे, फिर चाहे सामान्य हो चाहे विशेष हो सबके साथ क्या लगाते हैं, ऐसे लगाते हैं, आर पार लगाएंगे और जो बात होगी वो लिख देंगे, ठीक है। थैंक यू वेरी मच, आगे की बातें कल करेंगे।